नमस्कार, मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। एक स्टैंडर्ड होता है चाय के बिजनेस के अंदर में, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को चाय की टेस्टिंग करनी होती है, और चाय की टेस्टिंग करने के बाद में ही हमें पता चलता है कि कौन सी क्वालिटी क्या है। और चाय के बिजनेस के अंदर में यदि आपको टेस्टिंग नहीं आती है तो आप चाय का बिजनेस ना करें, या किसी टेस्टर को रख के बिजनेस करें, या अपनी चाय हमें भिजवाएँ कि इस ढंग की चाय हमें चाहिए, तो हम आपको उस ढंग की चाय अवेलेबल करवाएंगे बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर में। आज हमारे पास में नियर अबाउट 5-6 जगह से चाय आई हुई है। सबसे पहले बनासकांठा गुजरात से जो चाय आई हुई है उसके बारे में अपने लोग व्यू देखेंगे। ये अपने बनासकांठा के अंदर में नीलम चाय है जिसका मैं देख रहा हूँ। नीलम चाय का भी मैं ब्रांड धीरे धीरे देख रहा हूँ कि आज के 1.5-2 बरस पहले जो ब्रांड देखा था उसमें और आज के ब्रांड में काफ़ी फर्क आ गया है। उसका रीज़न यही है कि चाय हमेशा एक जैसी नहीं होती है और टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, प्राइस भी चेंज रहती है, क्वालिटी भी चेंज होती है। जैसे पहले नीलम वाले जो चाय देते थे वो टोटल बीपी बेस्ड गुडरिक की चाय अच्छी देते थे, लेकिन अभी भी चाय अच्छी दे रहे हैं, लेकिन उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जो चाय की क्वालिटी है वो काफ़ी चेंज हो गई है, चाय की ग्रेड चेंज हो गई है। जैसे पहले जो BOPSM वगैरह रहता ही नहीं था, अब BOPSM उसके अंदर में आ गया है, कहीं ना कहीं OF भी नहीं रहता था। तो जो फैमिली ब्लेंड का मिक्सर होता है 20-60-20 का, वो लोग भी नीलम वाले भी उस रेशियो के ऊपर में आ गए हैं। आज की जो BOPSM है नियर अबाउट 25% है, BP का यदि रेशियो बताऊँ मैं 60% है, और बाकी का OF का है। और ब्लैकिश अपीयरेंस के अंदर में चाय का यदि कप का कलर देखूं तो फाइनेंस्ड एक बहुत ही अच्छा टेस्ट भी है इसके अंदर में, चाय के अंदर में। जैसे कि आपको पता होगा 5-6-7 अप्रैल को हमारी चाय की टेस्टिंग का सेमिनार भी है जिसमें आप आ सकते हो, और ये सारी चीज़ें जैसे कि मैं नोट करवाता हूँ कि भाई चाय में टेस्ट कितना है, कितनी देर तक रहता है और कितना हार्डनेस है, ये सारी की सारी चीज़ें अपने लोग डिस्कस करते हैं। प्लस आपको भी हम ये बताते हैं कि किस ढंग से चाय की टेस्टिंग करनी है। तो 5-6-7 अप्रैल आप ध्यान में रखिएगा। हमारे फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, 8100921233 जो नीचे स्क्रीन के ऊपर दिया रहता है कंटिन्यू मेरी स्लाइड के अंदर में, तो आप वो वहाँ भी देख सकते हैं और कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। गुजरात के अंदर में जो आप देखते हैं हमेशा एक गोल्डन ब्राइट कलर जो रहता है वो हमेशा रहता है, एक बहुत अच्छी चाय जो रहती है यहीं पे ही बिकती है। ये जो चाय आई हुई है जो कि हमेशा अपने इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट सेल जो हो रही है, बाघ बकरी ये चाय है। बाघ बकरी की सबसे अच्छी खासियत ये है कि जैसे नीलम के अंदर में हाई ग्रोन की चाय नहीं रहती है, लेकिन सूरत की जीवराज और बाघ बकरी और रेड लेबन और ताजमहल, इनकी जो चाय रहती है वो नियर अबाउट हाई ग्रोन की भरमार रहती है इसके अंदर में। उसका रीज़न ये है कि बहुत अच्छी चाय ये देना चाहते हैं और इनका मार्केट भी है इसके अंदर में। इसके अंदर में हाई ग्रोन में सबसे ज़्यादा BOP का कंटेंट रहता है, जैसे कि 30% BOP हाई ग्रोन की चाय है आसाम की। उसके बाद में BOPSM का कंटेंट 20% है, BP इसमें 40% है, 10% OF जो कि आपस में रगड़ा खाने की वजह से भी बन जाती है। मेरी टेबल के ऊपर में 18 कप लगे हुए हैं, और 18 कप के अंदर में आप देखोगे जो गुजरात की चाय आई है वो एक बेस्ट चाय के रूप में अपीयर हो रही है। यहाँ पे गोल्डन कलर का ये इसमें कलर दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छी चाय आप देखोगे। ऑर्थोडॉक्स थोड़ा सा दिया हुआ है, कई जगह पे ऑर्थोडॉक्स भर देते हैं, नियर अबाउट 2-3% जो है वो आपके ऑर्थोडॉक्स है। ये बाघ बकरी की चाय है, मैं कहीं भी यदि आपको बोल रहा हूँ तो आप ये देख सकते हो, ये स्लिप जो है बाघ बकरी की इसके अंदर में। थर्ड वन जो चाय अपनी आई हुई है वो भी अपने बनासकांठा से ही है, और इस चाय का नाम है राजा टी। राजा टी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को टक्कर दे पा रही है, क्योंकि मार्केट में रहना है तो आपको चाय वैसी ही देनी पड़ेगी जैसी अपनी मार्केट में चलती है। अब इसके अंदर में ये डुआर्स और आसाम मिक्स है, पर BOPSM जो है टोटल ये BOPSM बेस है और डुआर्स की ही चाय है। चाय अच्छी है और कहीं ना कहीं जो दाने के खनक ये बताती है, और सबसे बड़ी आसाम की चाय में और डुआर्स की चाय में ये फ़र्क रहता है कि जो डुआर्स की कटिंग होती है चाय की, पूरी इवेन कटिंग होती है, ओड कटिंग नहीं होती है। आसाम के अंदर में जब चाय की कटिंग आप देखोगे
तो उसमें अलग रहती है, जबकि डुआर्स की पूरी कटिंग है पूरी राउंड शेप के अंदर में आती है, क्योंकि वहाँ की जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई है काफ़ी देर बाद में बनी हुई है, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ हुआ। चाय पूरा गोल्डन कलर के अंदर में आ रही है, चाय की टेस्ट भी अच्छा है। फोर्थ वन जो चाय है, ये चाय आपकी है मानिक टी आपकी बनासकांठा के अंदर में है। आप लोग यदि बनासकांठा से बिलोंग करते हो और यदि नहीं करते हो तो आपकी अपनी एरिया की चाय की जैसी भी यदि चाय चाहिए तो आप हमें सैंपल भेज सकते हैं हमारा एड्रेस लेके, तो हम आपको वैसी ही चाय अवेलेबल भी करवाएंगे और उसके बारे में भी बताएंगे। ये देख रहे हैं इस चाय के अंदर में, मानक टी के अंदर में ज़रा सा हाई ग्रोन का जो बीपी का मान है और उसके अंदर में दिखाई दे रहा है हाई ग्रोन, और बीओपीएसएम देखा जाए तो 30% है। बीपी के अंदर में भी दो तरीके की क्वालिटी है, एक हाई ग्रोन की कुछ मात्रा है प्लस बीपी की कुछ मात्रा जो है वो डुआर्ट से बिलोंग कर रही है। ब्राउनिश अपीयरेंस है, कंप्लीट ब्राउनिश नहीं है, ब्राउनिश ब्लैकिश है इसके अंदर में चाय। और इसके अंदर में आप वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के चारों तरफ से ये चाय आई हुई है, थोड़ा सा बोलने में बताने में सारी चीज़ें रखती है। ओएफ भी इसके अंदर 30% के आसपास है, बाकी की बीओपीएसएम और बीपीआई कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगती है इसके अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर में मैं बहुत ही तरीके की चाय आपको दिखाऊँगा। दूसरी चाय मेरे पास जो आई हुई है वो इच्छन करण जी कोल्हापुर से आई हुई है। ये चाय जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर में आप देखोगे ज़्यादा पीडी डस्ट और ओएफ की चाय चलती है, फैमिली ब्लेंड भी चलता है, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे पीडी डस्ट का मार्केट बहुत अच्छा है। जैसे कि ये एक ब्राउनिश अपीयरेंस के अंदर में थोड़ी सी ब्राउनिश है, और ये डस्ट की चाय आई हुई है मेरे पास में, नो ब्रांड खुली चाय हो सकता है वहाँ पर बिक रही होगी, और चाय भी काफ़ी अच्छी है, गोल्डन के अंदर में ही है चाय। आप देखोगे एक मोटी चाय में और छोटी चाय में अंतर ये होता है, जो छोटी चाय होती है उसका निकर फास्ट आता है, उसकी वजह से टपरी वाले होटल वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन घर के अंदर में मोटी चाय इसलिए यूज़ होती है क्योंकि उसमें थोड़ा एरोमा रहता है चाय के अंदर में, और हाई ग्राउंड की जो चाय रहती है उसकी तो चाय की बात ही दूसरी रहती है। एक चाय हमारे पास में आई हुई है एमपी छत्तीसगढ़ से, सूर्या गोल्ड टी, जो कि 320 रुपये किलो में वहाँ पे बिक रही है और 80 रुपया उसकी एमआरपी है। ये चाय देखा जाए तो बीओपीएसएम जो है वो दो तरीके की है, ब्राउनिश भी है ब्लैकिश भी है, और नियर अबाउट बीओपीएसएम जो है वो आपके 30% के आसपास है, और बीपी के दाने में भी दो है, ब्लैकिश भी है ब्राउनिश भी है। इसके अंदर में आप देखोगे तो नियर अबाउट 60% आपके बीपी के दाने हैं। ओएफ के दाने यदि देखा जाए तो ओएफ के दाने भी बाकी के ओएफ के दाने हैं, ऑर्थोडॉक्स 2% के आसपास है। ब्लैकिश ब्राउनिश का चाय का डीकर वगैरह बहुत अच्छा है, चाय गोल्डन में आ रही है, लेकिन जो आपकी गुजरात की जो चाय है उसके बराबर नहीं है, मैं ये बोलूँगा। चाय के कलर में मैं लास्ट में वीडियो के अंदर में लास्ट में दिखाऊँगा एक एक कलर जो चाय का आया हुआ है, पहले में इसके एनालिसिस जो भी है वो दिखा देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ की दूसरी उदय टी गोल्ड बोन के है, इसी चाय के कंपैरिजन में है, ये भी आपके पीडी और ओएफ का ब्लेंड है, और ये ब्लैकिश चाय है सर। ऐसे चाय को जब अपने गिराते हैं तो अपने को पता चलता है कि चाय में वेटी है कि नहीं। आप देखोगे कि जो खनक है चाय के अंदर जो आवाज़ आ रही है, कुछ आइडिया लग जाती है इसके अंदर में। चाय काफ़ी अच्छी है, डुआर्स और आसाम के मिला के है, और ओएफ के ही दाने हैं, पीडी 20% के आसपास है। एक चाय हमारी आई हुई है बेलारी कर्नाटक से, जिसके अंदर में कर्नाटक के अंदर में मैंने देखी है, जैसे कि आपकी प्राइकर चाय देखेंगे तो थ्री रोजेज़ है, चक्रगोल्ड है, टाटा जेमिनी है, इसके अलावा भी वहाँ पे भी एक डस्ट का और पीडी का बहुत बड़ा मार्केट है और काफ़ी अच्छा मार्केट है। बट इस चाय के अंदर में कलर मिक्स है सर, और कलर मिक्स के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा पानी देना था लवन। कलर मिक्स के अंदर दिखाऊंगा मैं आपको, जैसे कि ऐसे जैसे चाय गिराते के साथ ही ना आप देखेंगे इसमें कलर हैंड टू हैंड छोड़ देगा। ये देखिए ये कलर ठंडे पानी के अंदर में छोड़ दिया जाता है, जो कि कलर मिक्स है। एक्चुअल में क्या होता है कि जहाँ ढूंढते हैं कि भाई सस्ती चाय चाहिए सस्ती चाय चाहिए, ये देखिए ये जो चाय आप देख पा रहे हो
इसके अंदर हैंड टू हैंड ये निकर छोड़ दिया गया है और ये एक तरह से देखा जाए शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। चाय का कलर ही बता देता है कलर है। तो जो भी भाई इस तरीके का काम यदि कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि ना करें। ये चाय एक्चुअल में मेरे पास सैंपल आने के बैंड रीज़न ये होता है कि जिस भाई ने भी भेजी है उसने कोई कलर मिला के नहीं भेजा है। देखिए जैसे होली के कलर होता है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि गिलास के अंदर में कलर है। जो भाई ने भी ये चाय का भेजा है एक्चुअल में क्या होता है कि उनका रीज़न ये नहीं होता है कि वो चाय में कलर मिला रहे हैं। एक्चुअल में मार्केट में ये चाय सबसे ज़्यादा चलती है और कचरे के अंदर में रंग मिला के लोगों को पिलाया जाता है, जो कि एक तरह से क्राइम भी बोलूँगा मैं। ये डस्ट की ग्रेड है टोटल और इस तरीके की चाय मेरे से कभी भी आशा मत करिएगा कि मिल पाएगी आपको, कभी भी नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। और दूसरी ये कि ये कर्नाटक से ही हमारे पास आई हुई है जो कि ठीक है, चाय नॉर्मल चाय है। ये ओएफ चाय है, ब्राउनी सेप्रियंस है। ओएफ 20% के आसपास है, इसके अलावा पीडी है 30% और बाकी की डस्ट है। चाय ये ठीक है, टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छी थी। और आप हमें इंक्वायरी कर सकते हो क्योंकि मैं किसी भी चाय के बारे में बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलता हूँ कि ख़राब है या और है। उसका रीज़न ये है कि चाय सभी अच्छी देना चाहते हैं और वो चाय चल रही होती है उस एरिया के अंदर में, तभी उसका सैंपल भी मेरे पास आता है कि ये चाय है वो ज़्यादा चल रही है, इस तरीके की हमें चाय चाहिए। तो जो नॉर्मल चाय होती है, जो नेचुरल चाय होती है, वो चाय मिल जाएगी। ये चाय के अंदर में मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि गाढ़ापन बहुत अच्छा है चाय के अंदर में। उसके रीज़न ये रहता है कि थोड़ा सा आपका जिसमें फाइबर ज़्यादा रहता है उसमें चाय के अंदर में थोड़ा गाढ़ापन आ जाता है। और ये आप देखोगे डस्ट की चाय है, डस्ट 80% है, 20% पीडी है। चाय अच्छी है, नॉर्मल चाय है, कुछ नहीं है। एक चाय मेरे पास और आई हुई है जिसके अंदर में कि कलर है पूरा का पूरा मिक्स है। आप देखो इसके अंदर में ये देख रहे हैं जैसे कि चाय अपने गिरा रहे हैं और गिराते गिराते नीचे उतरते उतरते इसमें से कलर आ जाएगा सर। इसमें क्या होता है कि जो चाय वाले रहते हैं ना वो बोलते हैं हमको तुरंत कलर चाहिए, तुरंत कलर चाहिए। तो तुरंत कलर के लिए सर लोगों ने इंतजाम किया है जहर मिलाने का। और ये देखिए ये तुरंत कलर आने वाली चाय है। ये चाय देख पा रहे हैं आप, ऑरेंज कलर पूरा हो जाएगा इसके अंदर में, जलेबी वाला कलर दिया हुआ है सर। क्योंकि कोई सेंस नहीं है इसे चाय बेच के जहर बेच के कोई भी। और जैसे मैंने पहले भी एक चाय है उसके बारे में बता दिया था कि हमसे आसाई ही मत करिए कि आपको यहाँ से ऐसी कोई चाय मिल पाएगी। और इसको मैं कोई एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ इसके। ये ओएफ और पीडी का ब्लेंड है, ओएफ 80% है और पीडी 20% है, ऑर्थोडॉक्स भी दिया है। और एक ये चाय आई हुई है जो कि शायद टाटा गोल्ड जैसी चाय लग रही है मुझे, जिसके अंदर में ओएफ का माल है, ये सब TGFOP का माल है, ऑर्थोडॉक्स का है, GBOP का माल है जो कि दार्जिलिंग की और आसाम की मिक्स जो चाय आती है वो, एंड कहीं ना कहीं आरबी काट का भी थोड़ा सा माल है। और इसके अलावा देखा जाए तो इसके अंदर BOPHM है 15% के आसपास, 20% के आसपास है BOPHM, और बाकी आपका BP है 40% और बाकी का OF है। और गोल्डन कलर के अंदर में है, डीप गोल्डन में, लेकिन ब्राइट नहीं है, थोड़ा डल है कलर। और एक ये चाय मेरे पास में और दूसरी कर्नाटक का अब ख़त्म होता है। अंजार से आई हुई है गुजरात से चाय, ये भी चाय बहुत अच्छी है गोल्डन, गुजरातियों को सलाम, बहुत अच्छी चाय पीते हैं। लेकिन एक चाय वहाँ की भी कलर की चाय आई हुई है, ये पूरी की पूरी ओएफ है, ब्लैकिस्ट चाय है, कच्छ की चाय है जो कि अच्छी चाय है। आप इस चाय के बारे में मैं बात करूँगा। चाय का जो ब्रांड है 280 रुपया किलो बिक रहा है,
अप्सर टी बोन के नाम से ये ब्रांड है, और एक चाय और मेरे पास आई है क्योंकि बहुत अच्छी तो नहीं लग रही है सर, नाम नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि कलर मिक्स है इसके अंदर में, होल सेल के अंदर में बिक रही है 200 रुपया प्लस में, क्यों नहीं बिकेगी सर। ये भी कलर मिक्स है इस चाय के अंदर में, और ये बीपी का दाना है, बीओपीशियम 10% है, बीपी इसके अंदर में 70% है और बाकी का ओएफ है। और ये चाय सबसे शानदार चाय आई हुई है जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको, काफ़ी गाढ़ी चाय है, ब्लैकिश चाय इसके अंदर में 80% है, 20 ब्राउनीस है, और आपका हाई ग्रोन ओएफ की चाय है इसके अंदर में। हाई ग्रोन की जो चाय रहती है उसको आँखों से आप देखोगे तो पहचान में आएगा, आप यदि टी ट्रेनिंग के अंदर में आते हो, सेमिनार में आते हो तो मैं एक एक चीज़ आपको खुद के बताऊंगा उसके अंदर में। इस बार की जो ट्रेनिंग है 5, 6, 7 अप्रैल को हमारी होने जा रही है ट्रेनिंग, जिसमें कि जो भी भाई सीखना चाहते हैं, क्योंकि इस बार 2022 से चाय का बिजनेस सही तरीके से चालू होगा। 2020 के अगस्त के वीडियो में मैंने बताया था कि 2022 में जाके अप्रैल के अंदर में अपना मार्केट थोड़ा सेटअप होगा, जो कि मुझे नज़र आ रहा है। उस समय ऐसा लग रहा था कि 2 बरस कैसे लगेंगे, तो आप लोगों ने ये किया है फीलिंग और ये हुआ भी है। और हाई ग्रोन की चाय है ओएफ की, नियर अबाउट 90%, 10% आपकी पीडी हो सकती है। चाय काफ़ी शानदार है, गाढ़ी चाय है, और चाय का मैं कप भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये डीप के अंदर में ये चाय है, एक चाय और अच्छी है बट इससे थोड़ा सा डाउन है चाय। ये भी आपकी चाय जो है आपकी हाई ग्रोन की चाय है, ये भी ओएफ की चाय है, इसके अंदर वो 30% के आसपास, 40% की, 30% के आसपास ही हाई ग्रोन की बहुत ही अच्छी चाय है। नियर अबाउट मेरे हिसाब से यदि चाय उसका प्राइस होगा तो 380-400 रुपये की बाइंग होगी, वो भी ऑक्शन से। और इसके अलावा ओएफ की जो चाय है वो भी हाई ग्रोन की चाय है, काफ़ी शानदार चाय लग रही है। कोई अच्छा ब्रांड सियोर होना चाहिए, 480 रुपया केजी, जो कि मैंने बताया आपको कि कम से कम 400 रुपया किलो तो खरीद होगी जिस बंदा, जो बंदा भी बेच रहा है या जो भी ब्रांड में बिक रही है वो उनके रिटेन में है। ये दीपक बोन की चाय जो आपको पता है कच्छ के अंदर बहुत अच्छे चल रही है, रंग मिलाने से चाय का पैसा नहीं मिलता है, चाय में दम होगा तो ही चाय का पैसा मिलता है। कोई भी जो बड़े ब्रांड है, चाहे बाग बकरी है, दीपक है, आपके जीवराज है, टाटा है, टाटा में वो टाटा गोल्ड है, यदि प्राइस मिलता है, प्राइस लेते हैं तो उसके बदले वो एक क्वालिटी अच्छी से अच्छी देते हैं उसकी वजह से। बट आपको भी पहचान में आनी चाहिए चाय में कि कौन सी हाई ग्रोन है और कौन सी लो ग्रेन है, कौन सा अपर आसाम है, कौन सा लोअर आसाम है, कौन सा डुआर्स है, हाई ग्रोन है, फैक्ट्री है, गार्डन है, काला पड़ेगा, पीला पड़ेगा, नीला पड़ेगा, गोल्डन आएगा, रेड कलर आएगा, कब कैसा आएगा, यदि सारी चीज़ों का जवाब चाहते हैं तो 5, 6, 7 तारीख अप्रैल को आप आ सकते हैं हमारे टी टेस्टिंग के सेमिनार के अंदर में। वीडियोस काफ़ी बनते हैं हमारे उसके अंदर में, लेकिन अपलोड नहीं करता हूँ क्योंकि साउंड की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। तो ये रहा आपका हाई ग्रोन की जो चाय, इसका ओएफ का दाना 30% है हाई ग्रोन का, पीडी का दाना 70% है हाई ग्रोन का, 20% डस्ट का दाना है हाई ग्रोन का, और चाय शानदार चाय है। उसी हिसाब से ये एक होलसेल के अंदर में है, कमती दाम की चाय है, कनरी बता रहा है 280 रुपया, लेकिन हमारे यहाँ पे आप घबराइए मत, बहुत अच्छी रेट में चाय मिल जाएगी आपको। और ये चाय है आपके BOPHM है 20%, BP है 20%, और बाकी का इन्होंने भाई साहब ने OF मिला दिया है, जो कि कोई सेंस नहीं बनता है चाय का बनाने का, कोई अटपटा सा ब्लेंड बनाया हुआ है जो कि चाय के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली है ही नहीं। कोई भी नया भाई है, बट क्या है कि होलसेल की दुकान है, चाय की दुकान चल रही है तो उस हिसाब का भी ये हो जाता है। एक चाय मेरे पास आई हुई है, चाय का नाम है आर पार, गुजराती में है, मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ गुजराती, यदि नहीं आती है। 10 रुपये के अंदर की ये चाय है, चाय ये भी काफ़ी अच्छी है, 33 ग्राम दे रहे हैं 10 रुपये के अंदर में,
अप्रैल 21 की ये चाय है। देखिए, ब्रांड बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ब्रांड को चलाना बहुत बड़ी बात होती है। और ब्रांड कैसे बनाएंगे, कितना माल पैकिंग करेंगे, ये सब भी हम बताते हैं अपने ट्रेनिंग के अंदर में, जिसके अंदर में ये आपका OF और PF और PD का ये ब्रांड बनाया हुआ है, जिसमें OF है 30% के आसपास, PF है 40% के आसपास और PD है 30% के आसपास। तो और गोल्डन कनर के अंदर में ये चाय का कनर आया हुआ है। ये सारी की सारी ये चाय हमारी आई हुई है, और आपको ये मैं दिखा देता हूँ। ये कनर आप देख रहे हो कि जो कि मैंने गुजरात की बताई है आपको, सारी की सारी शानदार चाय। और एक दूसरी जो चाय आई थी, छत्तीसगढ़ की चाय आई थी सूर्या गोल्ड बोन की, वो चाय में देख रहे हो आप। ये चाय, इस चाय में ये आप जो देख रहे हो कोल्हापुर की चाय है, और ये दो चाय है छत्तीसगढ़ की। आप देख रहे हो आप ये गुजरात की चाय के अंदर में कलर, और ये कोल्हापुर की चाय का कलर, ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ की चाय का कलर है, जो कि कितना चेंज हो जाता है आप देख पा रहे हो। ये दो छत्तीसगढ़ की है, और यहाँ से अपने कर्नाटक की चाय चालू हो रही है, जो कि मैं बताया कि कलर की चाय है, जो कि एकदम पूरी ही चमक है। गुजरात की चाय को भी फेन कर दे रही है कहीं ना कहीं आप देखोगे तो, लेकिन ये कोई चाय पीने का कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं है। और ये चाय आप देख रहे हो, क्योंकि चाय हमारा मेन प्रोडक्ट है, इसलिए चाय को ही हाईलाइट करते हैं। ये भी हमारी कर्नाटक की चाय आई हुई है, और ये आप देख रहे हो कि ये चाय भी जो जलेबी कनर है आप देख पा रहे हो, या फिर कोई मिठाई का कनर है ये देख पा रहे हो आप। ये चाय है आपके कर्नाटक की, जो कि मैंने बताई वीडियो के अंदर में, आप देख सकते हो। आपको भी चाहिए, चाय की टेस्टिंग सीखना चाहते हैं, आप आ सकते हैं। ये चाय अंजार कच्छ की जो चाय थी, यहाँ से चालू हुई है ये चाय। और जो मैंने बताया कि दीपक की चाय जो है शानदार चाय, जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी चाहती है कि उनका ब्रांड रेगुलर वे में मेंटेन हो, लेकिन क्या है कि टी टेस्टिंग यदि नहीं आती है तो बहुत ही इम्पॉसिबल वाला काम है। और जो लास्ट में मैंने चाय बताई कि 2021 की है, आप देख सकते हो हमें किसी भी ब्रांड से कुछ भी लेना देना नहीं है, हम जस्ट टी टेस्टिंग के बारे में बताते हैं। ये 18 कप है, और 18 कप में गुजरात में दो जगह की चाय है, एक बनासकांठा की, एक अंजार की। एक चाय हमारे पास आई है कोल्हापुर की, महाराष्ट्र की। दो चाय हमारे पास में आई है छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की। पांच चाय हमारे पास आई है कर्नाटक की, और आपकी चार चाय फिर आपको देख रहे हैं दीपक जी वगैरह की है, और एक गुजरात की है। तो बस ये सारी मिला के आप देख पा रहे हो कि सारी की सारी चाय का कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे समटा हुआ है एक टेबल के ऊपर में 18 कप के अंदर में। आपको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप लोगों को भी यदि आना हो टी टेस्टिंग की डिटेल में सीखने के लिए, बिजनेस को सीखने के लिए, तो आप आ सकते हैं हमारे सेमिनार के अंदर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि कोई कमेंट है, क्वेश्चन है, तो इसमें डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं संतोष अग्रवाल, टी टेस्टर, टी बिजनेस डेवलपर एंड अदर बिजनेस कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर।